अस्सलाम वालेकुम, मैं शमैला वसीम, कैसे हैं आप सब। जब दोपहर का टाइम हो रहा है, हनान और हुज़ैफ़ा चले गए ट्यूशन, माना मेरी सो के घर सारा निकल गया ना, बाहर मैंने लगाई हुई है मशीन, मैं कपड़े धोलूँ, काफ़ी ज़्यादा कपड़े धोने वाले हो गए। देखिए ये जो बेडशीटें बिछी हुई ना, ये लास्ट रह गई थी। कपड़े वैसे हमारे धुले हुए थे, बेडशीटें काफ़ी धोने वाले थे। तो अभी कपड़े धुल रहे हैं, फिर ऊपर डालने चलते हैं, कपड़े डाल के आएंगे, फिर कहाँ जाना है ये अभी ऊपर कपड़े डालने जाऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। मैं जी भी छत पे आ गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा कपड़े डाल दिए, बेडशीटें सारी वहाँ पे डाल देती, अभी और ले के आई हूँ। बच्चों के वो उधर डाले, अभी जो ये रह गए ये भी डालते हैं, फिर हमने जाना। जी मैंने कहते ना कहाँ जाना, फिर हमने जाना है अम्मी की तरफ। भाभी मुझे कहती कि आप भी मामा करिए शाम को खाना, आप लोगों ने ना हमारे साथ खाना पर बनाना भी आपने है। कितने सामान कह गए थे आप ही से कहना, जैसे आप ही ने लास्ट टाइम चार गोश्त बनाया था ना, वही चार गोश्त बनाना है। तो सामान सारी चीज़ें ला के दे गया, और कहता आप ही को कहना पकाना। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो मैं कपड़े धो रही हूँ, कपड़े धो के आऊँगी, शाम को जब पकाना होगा फिर आऊँगी। फिर ना खाने के साथ साथ हम ना आमना सिंह की शादी की पिक्चर लगा ले, या कोई वीडियो लगा ले भाई की शादी की, ना पिक्चर सही रहेंगी, वीडियो में तो सारी नज़र आ जाएंगे। तो ना आपको भाई की शादी की सारी पिक्चर दिखाऊंगी, अम्मा अब्बा सारे दिखाऊंगी, पहले भी अम्मी है वो काफ़ी बार मेरी वीडियो में आए हैं, पर शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया। तो इस बार मैं ना दिखा कर बताऊँगा ये अम्मी है ये वो है। मेरे पास थोड़े से कपड़े रह गए, वो भी डालेगी। मैंने ऊपर आते आते ना देखा मेरे होंठ बिल्कुल खुशक हो जाते हैं, नीचे जाते साथ में पहले पानी पीती हूँ। तो यहाँ से बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारी लाइन है, पटरी झूले जहाँ ना को जंपिंग की लेगी थी, सारा कुछ नज़र आता है। मैं आपको देते इतना अच्छा व्यू लगता है छत पे आके ना, जैसे सबसे पहले टैंकी नीली सारी छतें नीली होगी। ये जी कभी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 2:12। वो उधर आप नज़र आ रहे बच्चे जंपिंग कर रहे हैं। ये दो वाइट हैं, बाकी सब वो भी वाइट है, ज़्यादा ब्लू ही ब्लू है टैंक है ना। और ये इधर से हमारी छत, इधर उन्होंने मुर्गियाँ रख दी फिलहाल ना, इधर के बिल्ली है, बिल्ली ने बच्चे दिए मुर्गियाँ, छत कितनी गंदी हुई। उधर हमारी टैंकी पड़ी हुई, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं ना, कुछ सीढ़ी वगैरह। बस अभी जो थोड़े से कपड़े रह गए ना वो भी डालो, फिर स्पिनर नहीं ना करती इसलिए ज़्यादा थक जाती, स्पिनर सही करने आया ही नहीं है। देखिए इतने अच्छे तरीके से निचोड़ते फिर भी कपड़े थोड़े थोड़े डालें, देखिए कितना पानी होता है। तो अभी बाकी जो रह गया वो भी डाल दूँ। कपड़े मैंने जी सारे डाल दिए, मैंने तो थोड़ी देर दूर में बैठते हैं। अभी दोनों भाइयों ने आ जाना खाना खाने, कहते हैं मामा अभी हम जा रहे हैं, मामी से पूछ के खाना खाने आ जाएंगे दोबारा। मैंने कहा अच्छा जी आ जाना, थोड़ी देर बैठती हूँ फिर हम लोग। बच्चों को ट्यूशन से अभी काफ़ी टाइम हो गया, मानो को भी मैंने रेडी कर दिया है ना, अनुजा तो पहले रेडी थे, रेडी होकर ट्यूशन गए थे, आगे खाना छाना भी खा ले, बाल गंदी करो। तो अभी हम लोग जाने लगे अम्मी की तरफ जी, कि मैं लेट हो गए, बल्कि मैं भी सो गई थी, वरदा सो रही थी। अच्छा तो अभी हम लोग चलते हैं जी। हाँ जी, ट्रीट कर नानो ने कहा था अपने हमारे घर खाना खाना, आपकी ट्रीट है छोटी सी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी अम्मी की तरफ, वहाँ पे चल अपना चार गोश्त बना दिया, फिर खाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। चलो चलो ठीक है, चलो चलो चलो। क्या करे नानो घर से रात को देर से आएंगे, ठीक है 5 बजे, 5 से तो ऊपर टाइम हो गया। तो ये जगह गले में पापा की चेन पहनी, इधर दिखाओ। और जी सहन भाई भी आ गए दरवाजे में, हम बड़ी दूर टीशन से नान को छुट्टी क्या हो गई है। अल्लाह इधर डोगी बहुत ज्यादा, बेबी उधर को डोगी। हाय सहन भाई, क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो, चलो जी अंदर चलो। हम लोग भी आ गए अम्मी घर, और आमना करी मट्टो का क्या बनाया है, आंखों में सुरमा डाला, पौंडी डाली हुई है, क्या लग रही है आमना? पेंडू टाइप लुक आ रही है ना, है ना? कुछ भी हो, क्या जी क्या क्या आपकी क्या बनाओ आमना ना जे। ओए होए होए जी, अभी चल के किचन में अपना खाना शाना बनाते हैं जी। खुश हो रहे हो, ये पहली बार किसका पकड़ा आज? अचार गोश्त बनाना। हाँ जी बिल्कुल, और वो बनाएगा हुसैन। आपने कहा था हाँ मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। मुझे भी बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, अभी टाइम हुआ है 4:45, तो अभी कुछ भी नहीं बनाना, ठहर के बनाएगा। तो मैंने आमना से कही आमना अपना लैपटॉप इधर लाओ, तस्वीरें वगैरह दिखाओ, मैंने आपको कहा था ना शादी की पिक्चर दिखाएंगे, अभी पिक्चर लगाते हैं। तो फिलहाल हम लोग ना पिक्चर देखे, बाद में अपना खाना शाना बनाएंगे। ये देखें जी भाई की शादी, आमना और बाजी यार थे, मैंने फिंगर रख दी, मैंने थाल पकड़ा हुआ था। ये देखें ये सही है, ये भी आ रानी मरियम कितनी छोटी छोटी थी ना, तो माशाल्लाह। ये जी दोबारा फिर मैं आ गई, सही नजर आ रही ना। हाँ सही नजर आ रही है।
मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर है ना, अब्बू की और भाई की माशाल्लाह बहुत प्यारी पिक्चर आई है। अब ना आगे करो, आगे कौन है? हाँ ये भी दोनों की अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अब वो चुम्मी खा रहे थोड़ी प्यारी आवाज। ये देखे पता लग रहा दूल्हा कौन है? सारे दूल्हे सारे दूल्हे बने हुए ने इत्थे ते सेम ड्रेसिंग की हुई है सब ने। उस्मान को इसका फेस बहुत मिलता है। हाँ ये मेरे पुप्पो का बेटा है, ये भाई है, बाकी सारे दोस्त हैं। ये निकाह टाइम की है, ये भी भाई। और ये जी पुप्पो और पुप्पा जी, पुप्पो माइयों के फंक्शन पे ना जब निकाह था सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी इस दिन पे ना। और ये देखे जी यहाँ पे वसीम, मैं और बच्चे, कितनी प्यारी आई। मानो तब नहीं थी, बस हम लोग ही थे, अच्छी आई पिक्चर ना। ये जी पिक्चर है मेरी और वसीम की भाई के साथ, वो भाभी की कजन आ रही थी, उधर मेरी बहन आ रही थी, हमने ना अपने अंगूठे रख दिया। कितनी अच्छी पिक्चर आई है। और ये जी यहाँ पे है निकाह टाइम पे, भाभी ने पेन पकड़ा हुआ है, निकाह का सीन स्टार्ट होने लगा। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो, अंकल परेशान है। और यहाँ जी अंकल परेशान है, वैसे सोच रहे हैं मेरे जो भाई सिग्नेचर कैमरे का करता भाई का निकाह हो रहा जी, पहले भाई भाभी का फिर भाई का था माशाल्लाह जबरदस्त। और यहाँ जी सब मुबारकबाद दे रहे हैं। अब वो कितनी खुश हो रही पापा को देख के, मेरा पापा आया निकाह की। अब ना आगे करो कौन दोस्त शुरू हो गए भाई के। क्या 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 पापा जी, यहाँ जी वसीम मुबारकबाद दे रही। फिर मैंने कहा बहने क्यों पिछड़े थे, हम सारी बहने भी आई थी भाई को मुबारक देने, मेरे साथ बाजी खेती, मैंने हाथ रख दिया। और ये देखे भाई को मुबारक दे रही है निकाह की। और यहाँ जी जब दोनों का निकाह हो गया था, फिर भाभी को ले आए थे स्टेज पे, यहाँ पर फेस नहीं था क्लियर, और हमने कहा भाभी को यहाँ पे आपको दिखाते हैं, भाई की शादी के फंक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे हैं। और यहाँ जी बारात की पिक्चर शुरू हो गई। मोमना देखे कितनी छोटी थी, मारिया भाई बिलाल बैठे हुए हैं। आगे कौन है? अमना आगे, अब्बू को हार डाले, भाई को हार डाले। पप्पो आ गई। और ये जी यहाँ पे मैं आ गई, ये वसीम आ गए, फिर हम दोनों आ जाएंगे। ये जी हम हमारी पूरी फैमिली आ गई, मेरा मुंह टेढ़ा आ रहा है। और ये है जी हमारी पर नानी, जो कि अक्सर आप देखा हमारे घर आई है, वीडियो मैंने बनाई हुई है आगे। ये जी जब हम लोग ना घर से निकल रहे थे भाई के, देखे अहमद और नान कितना छोटा था मेरा। अब ना आगे करो। ये जी हमारे दूल्हे की कार, गाड़ी में बैठ के गए थे हम ना, मैं आप आयशा आमिर भाई, हाँ बस फातिमा। ओए क्या हो गया, ये ले लो। यहाँ जी हम हाल में पहुंच गए, वही हाल है जब भाभी की बहन की शादी हुई ना, वहीं पे भाभी की हुई थी। ये देखो ये है, अब ना आगे करो। ये देखो ये डांस हो रहा है फुल जोश में, ये वेलकम के लिए, हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मेरे बच्चे को, चलो चले चलो चले, डांस हो रहा है। ये जी देखिए हनान को भी हार डाला हुआ, मुझे लगता है वसीम को डाला था ना, वसीम ने उतार के हनान को डाल दिया था, यही बात यही सब सीन हुआ था। ये देखे जी सब। और यहाँ जी मेरा और वसीम का फोटो शूट हो रहा है। और ये जी तीनों मेरे बनोई है, वसीम ये बड़ी बाजी के, मियाँ ये फातिमा बाजी के, ये आशा बाजी के। ड्रेस देखे कितना डिसेंट है, मेरा और आमना का सेम था, वसीम को पसंद ही नहीं था यार, फिर अम्मी ने ले लिया था, इतना प्यारा है देखे कितना अच्छा है ना। आमना आगे करो, और कोई पोज आ रहा है, ये देखे कितना प्यारा, वसीम को नहीं था पसंद था, मैं और आमना इतने शौक से लेके आए थे, इछड़े से लाए थे ना जी, इछड़े से लेके आए थे। और यहाँ जी भाई और भाभी को रहा था फोटो शूट, भाभी स्टेज पे आ गई थी। यहाँ हो रही है जो दूध पिलाई, कितने पैसे दिए थे दूध पिलाई में? 10,000 रुपया ना, हाँ 10,000 दिया था। ये जी हमारी पूरी फैमिली आ गई, महरीन कायनात खाला मारिया भाई बिलाल। महरीन कितनी मोटी मोटी लग रही है उसको, वो ज़ारा फातिमा होने वाली थी, हाँ हेल्थी हुई थी माशाल्लाह, अब तो बहुत वीक हुई है। आगे करना पामा, आगे भी यही है। हम यहाँ जी भाभी को लेकर जाने लगे थे घर,
सारे साइड पे खड़े हैं रुखसी करने के लिए। यहाँ जी वलीमे का फोटो शूट हो रहा था। शादी हॉल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। ये इधर भाई केले का फोटो शूट हो रहा था। ये जी भाभी के घर वालों ने रिंग डाली थी साथ आंटी ने ना गोल्ड के। यहाँ जी मैं और वसीम बैठे थे साथ। ये वसीम, ये मैं, ये हम दोनों की। यहाँ जी मारी और खाला बैठे हुए हैं। तस्वीरें देखते देखते जी काफी टाइम हो गया, तो अभी ना भाभी मुझे सारा कुछ रेडी कर दिया। चिकन मैंने खुद ही वॉश कर लिया। ये देखिए ये 1.5 किलो चिकन है। प्लेट छोटी बोटियां के ऊपर बोटियां चढ़ाई हुई हैं। अभी करूँगी तो दिखाऊंगी। ये भाभी कह रही थी आप ही आधा किलो दही है और साथ में जी हमारा ये सारा मसाला है। तो अभी मैं जल्दी से अपना चार कोश बनाना स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। तो फिलहाल जब अपनी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ। जो खाना शाना कुकिंग करूँगी मिलके खाएंगे वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ भी याद रखिएगा। अल्लाह।